गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज 1.4। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, थर्ड होमवर्क आप लोगों को दिया था। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें क्या दिया है, राइट फाइव पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइडेड इक्वल 3। वन सच पेयर 6 2 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 3। यानी हमें ऐसे इंटीजर्स के पेयर बनाने हैं जिसमें हम डिवाइड करें तो आंसर आना चाहिए 3। जैसे एक एग्जांपल दिया है 6 डिवाइडेड 2, यानी जब हम 6 में -2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जगह कितना होता है 6, तो आंसर कितना आया 3। यानी कि कितना 6 एंड 2 हो गया। अब नेक्स्ट पेयर ऐसा कौन सा होगा जिसमें हम 3 से डिवाइड करें और 3 आंसर आ जाएगा, तो क्या होगा 9 डिवाइडेड बाई 3। यानी हम क्या करेंगे 9 में डिवाइड करेंगे 3 से, -3 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 3। ये सेकंड पेयर हो गया। थर्ड पेयर 12 डिवाइडेड बाई 4, यानी अब क्या करेंगे 12 में हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जा 12, तो आंसर कितना आ गया 3। सेकेंड पेयर देख, फोर्थ पेयर देख लो, 9 डिवाइडेड बाई 3 वही का वही। उसके बाद 15 डिवाइडेड बाई 3, यानी 15 में हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो सॉरी 5 से, तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, तो माइनस का 3। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है। करना कैसे, इसमें दिया है द टेम्परेचर एट नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, ठीक है। इफ़ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर्स, यानी 1 आवर्स में क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस एट मिड नाइट, वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर एट वी 8 डिग्री सेल्सियस, यानी 8 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो टाइम क्या होगा बिलो 0, वट विल वी टेम्परेचर एट मिड नाइट टेम्परेचर क्या होगा ये बताएं। तो आप लोगों को ये करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा।